हे गाइस, देखो दोस्ती और दुश्मनी अच्छी चीज़ होती है। अभी आईटी सेक्टर से लोग जो हैं थोड़ी बहुत दुश्मनी का मतलब थोड़े बहुत भाग रहे हैं कि भाई आईटी सेक्टर में सारे स्टॉक्स गिरे पड़े हैं, टीसीएस का हाल देखो चल नहीं रहा, विप्रो के बारे में तो पूछो ही मत, कंपनी का मालिक ही बेचने के लिए तैयार। भाई इन्फोसिस इतना बड़ा कंपनी हो के इतना ज़्यादा गिर रहा है, गिरावट की टेंशन नहीं है, इन्फोसिस गिरा ठीक है, लेकिन भाई इन्फोसिस को गिरने के बावजूद भी कुछ कुछ बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं उनका मानना है कि इन्फोसिस और गिरेगा और गिरेगा, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। तो आईटी सेक्टर की इतनी हालत ख़राब है, इतनी हालत ख़राब है कि लोग इतना इग्नोर कर रहे हैं कि भाई कभी पछताना ना पड़ जाए। आईटी सेक्टर की आज मैं आपको वो पावर याद दिलाने की कोशिश करूंगा, वो पावर याद दिलाने की कोशिश करूंगा जिस दिन आईटी सेक्टर चल लगा तो आपको कैसा फील होगा, वो मैं आज ही आपको मतलब जो है समझो कि महसूस करवाने की कोशिश करूंगा। आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे समझो कि मतलब इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई हमें तो प्राउड फील होता है, क्योंकि आईटी सेक्टर में क्या होता है कि ये जो आईटी कंपनी है वो इंडिया के बाहर से पैसा लेकर आती है इंडिया के अंदर, इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो होता है ना वो इंडिया के बाहर होता है, मतलब ये सारा पैसा वो इंडिया के बाहर से लेकर आते हैं, तो ये इतनी अच्छी खबर होती है हमारे लिए। तो आज स्टॉक्स बहुत सारे स्टॉक्स नीचे हैं तो हमें खराब लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, लेकिन यही सारे स्टॉक्स ऊपर चल जाएंगे तो कैसा फील होगा। जैसे एक आईटी स्टॉक 70% गिरा हुआ था, 70% गिरा हुआ था, देख लो बहुत बुरी कंपनी है भाई, क्योंकि भाई 70% गिरा हुआ है कि नहीं है, तो भाग जाओ जल्दी से। अब देखो उसके बाद हुआ क्या, मैजिक क्या होता है यहाँ पर, इरेजर, इरेजर की इस्तेमाल करते हैं, देखा स्टॉक कितना भागा है नीचे से, जिसने भी खरीदा होगा भाई वो 1000% का मालिक हो गया वो, देख लो। तो गिरते स्टॉक खरीदने से ये फ़ायदा होता है आईटी सेक्टर का स्टॉक, पहला। ये तो केवल मैं आपको डेमो दिखा रहा हूँ, और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, मैं बस आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आज के डेट में बहुत सारे ऐसे आईटी स्टॉक हैं जो नीचे गिरे हुए हैं, और जब वो नीचे गिरे हुए होते हैं तो हमें कैसा फील होता है, और जब वो वही सारे स्टॉक्स ऊपर चले जाते हैं तो फिर हमें कैसा लगता है। न्यूक्लियर सॉफ्टवेयर देख लीजिए, ये गया था 400 के बाजू में, कहाँ से गिर के गया था, तो 600-700 रुपये से गिर के 400 के बाजू में गया था, और आज देख लो एकदम मतलब कहाँ जाकर खड़ा है, ये आप खुद ही देख लो यहाँ पर, गजब। ये भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है, ये भी मैंने आप लोगों को बता रखा था पहले, ये भी गिरा हुआ था, इसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा है कि नहीं, ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी, ये भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरा हुआ था, आप देख लो कहाँ से कहाँ चला गया, ये भी आईटी सेक्टर का स्टॉक है, पहले नीचे गिरा हुआ था, कितने बड़े बड़े गिरावट होते थे रिसेंट में भी बड़े बड़े गिरावट देखने को मिले, देख लीजिए 40-50-60% तक का तो आराम से गिरावट देखने को मिला, और नीचे देखेंगे देख लो 70% तक का गिरावट, लेकिन जब नीचे से चलना स्टार्ट किया देख लो अभी भी नहीं रुक रहा, अभी भी नहीं रुक रहा है, कंटिन्यू दौड़ता जा रहा, दौड़ता जा रहा है। ये देख लीजिए मोचिप टेक, ये भी गिरा हुआ था। तो आज लगभग मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं पिछले 2 महीने से आईटी सेक्टर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ, तो मतलब अभी तक मैंने जो है, मैं आपको बता दूं कि मतलब जो है मैंने 80 से 120 कंपनी के ऊपर मैंने रिसर्च किया है और देखा कौन सा बेस्ट है क्या है, और आईटी सेक्टर को हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, केमिकल भी देखो गिरा हुआ है, फार्मा भी देखो गिरा हुआ है, तो भैया अपॉर्चुनिटी बहुत है, प्रॉब्लम ये है कि हम ढूंढ नहीं रहे। मैं बस आपको इतना याद दिलाना चाहता हूँ कि आईटी सेक्टर में जितने भी स्टॉक गिरे हुए हैं देख लीजिए, जब भागना स्टार्ट करते हैं तो कैसे किस कदर भागना स्टार्ट करते हैं वो। मॉगैलेनिक क्लाउड, ये कंपनी का नाम भी थोड़ा अजीब है, लेकिन बाप रे बाप, इसको स्टडी करने के बाद मतलब समझो कि जो आदमी बेहोश है ना वो भी उठ जाएगा। 1 रुपये से चलना स्टार्ट किया था 2015 में, आईटी सेक्टर का स्टॉक है, और बीच बीच में हेवी गिरावट भी देखने को मिलता था, देख लीजिए 60-70% तक का गिरावट भी देखने को मिलता था, और आज देखो कहाँ 33,000% का रिटर्न निकाल के दिया है। प्रॉब्लम ये नहीं कि 33,000% का रिटर्न निकाल के दिया, प्रॉब्लम ये है कि ये अभी भी दौड़ रहा है, स्टिल रनिंग पोजीशन में है ये, देख लो। तो आईटी सेक्टर की ये पावर है। तो अभी मैं आपको बोलूँगा कि हमारे मार्केट में जितने बड़े बड़े अपॉर्चुनिटी है उसको खंगालो, अच्छा रहेगा, ढूंढो, ढूंढ कर निकालो। देखो रिसर्च किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ, अभी जैसे मैं आपको बता दूँ गैलेक्सी बेयरिंग के ऊपर जो है ऑलरेडी मैंने आपको 2 बार बता रखा था, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, अगर आप चाहो तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, नहीं तो अगर आप चाहते हो कि मैं प्रूफ दिखाऊं तो वो भी मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं आपको 2-3 बार से तो कई बार बता रखा हूं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भाई तीसरी बार यहां पर आपको बता रहा हूं, तीसरी बार, और पिछले साल मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया था, और तब से ये स्टॉक्स ने देखिए तो भाई 100% तक का तो रिटर्न निकाल के दे दिया, और आज तीसरी बार भी यही मैं आपको बोलता हूँ कि कंपनी अभी भी मजबूत है, पावरफुल है, दमदार है, और यहाँ से भी खतरनाक रिटर्न निकाल के देने की ताकत रखता है,
इतना दम है कंपनी के अंदर अभी भी। प्रॉब्लम यह है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि जब तक ऊपर ना चल जाए स्टॉक हमारी आंख नहीं खुलेगी भाई, तो नहीं खुलेगी ऐसा। क्योंकि देखो हमें कब फील होता है कि भाई कुछ बड़ा हो गया, जब हमारे हाथों से मौका चला जाता है, तब जब हमारे हाथों में सब कुछ रहता है। याद है पीने वाले पानी से लोग नहाते, कपड़े धोते, गाड़ी वॉश करते थे, सब कुछ करते थे, घर धोते थे। लेकिन आप देखो 20-20 रुपए के बॉटल में आते हैं भैया, कि नहीं है, तो भाई वो हाथ धोने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, केवल पीते ही है। क्यों? क्योंकि उसका वैल्यू अब पता चलना स्टार्ट हो रहा है। उसी तरीके से अभी हमें फ्री में मिल रहा है, मैं आपको यहाँ पर देखो ये सारी चीज़ें नॉलेजेबल पेड पोर्टफोलियो में होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको फ्री में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लोग आज इसको लात मारेंगे। लेकिन कल के डेट में यही सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँ कि लगभग जो है यहाँ नहीं मिलेगी, तो फिर लोग बोलेंगे सर बता दो करके, ऐसा होता। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि भाई आपने दिल से रिसर्च किया है, मेहनत किया है कंपनी के ऊपर, तो आपको लगेगा कि हाँ ग्रेट स्टॉक है। गिरेगा तो भी कोई टेंशन नहीं है, और नीचे से खरीदेंगे, क्योंकि आपने सही तरीके से कंपनी के बारे में जाना है। तो मैं यहाँ पर ये केवल आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ, आईटी सेक्टर में ऐसे करने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल देके बता रहा हूँ यहाँ पर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपने डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में।